क्या है? मैंने कहा नंबर क्या है, कोई बच्चा मुझे बता दे, नंबर्स बता दे। 1 2 3 4 और और इसका कोई अलग से जवाब है 1 2 3 4 के अलावा? सब जिंदा बैठे हो ना, हदीका, इकरा, इफ़त, समरीन, सपना, सबा, यस सर, फातिमा, जी सर, सारे जिंदा हो ना? एक्चुअली ये सिस्टम होता है जिसमें हम नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते मैंने हैं। नंबर सिस्टम की बात नहीं की अलीना, अभी मैंने सिर्फ एक सवाल, मेरा बेसिक सवाल था, व्हाट इज नंबर? क्या ओके, नंबर काउंट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को हम नंबर यूज करते हैं। है नंबर? क्या है? मतलब सबने कहा दीज वन आर टू, न्यूमरल्स, सबने यह बात कही कि यहाँ पर आ जाते हैं हमारा, सबने कहा कि 1 2 3 4 ठीक है 5, कोई ऐसा बच्चा जो इससे हट के बात करे, कोई बागी? पर इसको हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं ना। अच्छा, अब मेरा सवाल ये आता है कि आपने इसको 1 2 3 4 क्यों बोला? नंबर्स की जब मैंने बात की तो 1 2 3 4 क्यों बोला? क्योंकि यही पढ़ते आ अभी रहे हैं। स्टार्टिंग, आपके माइंड में 1 2 3 4 क्यों आया? सर क्योंकि क्वांटिटी के लिए तो हम ये यूज करते हैं ना, क्वांटिटी को क्वांटिटी मेजरमेंट को के लिए। रिप्रेजेंट सर करने के लिए हम जो यूज करते हैं वैल्यूज वगैरह, उसको हम कहते हैं बेसिकली। चलिए थोड़ा सा पीछे चलता हूँ मैं, फिर थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं बोल पूछता हूँ कि ये 1 2 3 और ये 4, हम इसको लिखते ऐसे क्यों है? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको हम यूं भी तो लिख सकते थे, वन को लेट्स से, इसको मैं एक स्टार बना के भी तो लिख सकता था वन की रिप्रेजेंटेशन को, या मैं इसको ये डॉट लगा के भी लिख सकता था वन को। वन को मैं वन ऐसे ही क्यों लिख रहा हूं? सर इसकी एक हिस्ट्री है। हाँ मैं बता चुका हूँ हिस्ट्री, लेकिन ये नए बच्चों के लिए भी सवाल है, अभी जिसको पता है वो थोड़ा सा मुंह बंद। सर कोई होगा जिसने ऐसा सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया होगा। क्या है वो, क्या सिस्टम है? मिस सादिया, सर अर्थमेटिक सिस्टम। मिस सादिया मौजूद है? जी सर, कैनली ये लिंक दूसरों को भी साथ से भी शेयर कर दें, ये जो हमारा जनरल ग्रुप है ना वहां पर भी शेयर कर दें। ठीक होगा। अच्छा हाँ जी, हमारा वहीं पे सवाल रह गया है कि ये वन को मैंने एज सच वन क्यों लिखा? क्या मुझे सूझा था मैं वन को ऐसा क्यों नहीं लिखूं, और टू को मैं यूं क्यों नहीं लिख सकता, या टू को मैं यूं क्यों नहीं लिख सकता, या टू को मैं यूं क्यों नहीं लिख सकता, या टू को लेट से मैं यूं क्यों नहीं लिख सकता? ये नंबर सिस्टम, इस ये हमें इसने ऐसे सिखाया है इसने रिप्रेजेंट कहाँ करना। इस सही पे लिखा हुआ है कि मैंने ऐसे ही लिखना है? नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम। इकरा या मैमूना? यस ठीक है, सर, मैमूना है या इकरा? ठीक मुना। है, नाम तो चेंज करके आया करो ना, जी क्योंकि सर, इसमें सब्जेक्ट की एक अलग लैंग्वेज होती है, तो मैथमेटिक्स की फिर यही लैंग्वेज होगी जिस बंदे ने भी इसको इन्वेंट किया है ना। ठीक बात होगी बच्चे। मतलब आपने जब नंबर्स को पढ़ा था, मेरा सवाल ये है, आपने जब इसको समझा था तो आपने बचपन से, आपको आपने पूछा नहीं अपने उस्ताजा से, अपने टीचर से कि सर मैं इस वन को ऐसे ही क्यों लिखूं? जब आपने लेट्स सपोज वन को ये यूं यूं करके, यूं यूं करके लिख दिया होगा, तो उस्ताद कहते होंगे नहीं ये गलत है, तो आपका सवाल नहीं उठा होगा जितने भी टीचर हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले?
कोई पढ़ाते होंगे, डेफिनेटली स्कूल्स टीचर होंगे यहाँ पे। तो आपने बताया क्यों नहीं बच्चों को, या आपने पूछा क्यों नहीं था अपने उस्तादा से कि भाई सर मैं इसको ऐसे ही क्यों लिखूं, किसी और तरीके से क्यों नहीं लिख सकता? वन को मैंने ऐसे ही वन क्यों लिखना है, टू को ऐसे ही टू क्यों लिखना है मैंने? सर अगर हम ऐसे क्वेश्चन करते थे ना तो हमें डांट पड़ जाती थी। डांट तो नहीं पड़ती थी? देखें ये पड़ कोई जाती ये थी। कोई ये कोई आयत कुरान तो है नहीं जिसमें मैं ईमान ले आऊं, या कोई मुस्तिका तो नहीं है कि मैं जिस पे ईमान ले आऊं? मेरे टीचर ने कह दिया तो मैंने ओके समझ लिया। अभी भी आप लोग मुझसे बहस करते हो ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, गलत बोल रहे हैं। यस सर। तो वही मेरा सवाल खड़ा हुआ, नंबर सिस्टम पढ़ने लगे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में ये अननोन कौन है। मैं सादे इसको रिमूव कर दें, अननोन को मैंने 100 बार का अपना नाम लिख के आया करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। वही मेरा सवाल खड़ा हुआ है कि व्हाई वी शुड राइट वन एस लाइक दिस वन, ना के ऐसे, ना के ऐसे, ना के आपका अल्लाह भला करे ऐसे, ना के आपका अल्लाह भला करे ऐसे, इसके कुछ भी बारे हो में कुछ सकता। पता है क्योंकि इसको कंप्यूटर एक ऐसे मिनट अंडरस्टैंड कर सकता है। एक मिनट अलीना, आपने नहीं बोलना अभी, आपको मुझे पता है, आपको जोर से आ रहा है लेकिन अभी सुकून से, तो आपने क्योंकि पढ़ा हुआ। कंप्यूटर्स को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो बहुत लंबी थोड़ी कंप्यूटर सेंटेंस तो है, ये अंडरस्टैंड करता नहीं, कंप्यूटर तो 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर तो उस वक्त था नहीं ना, किस बच्चे ने जवाब दिया? कंप्यूटर तो उस वक्त था नहीं जब ये इस चीज की बात कर रहे हैं हम। ओके सर। तो अब वहीं पे सवाल आ गया, सर 852S की अपना नाम चेंज करें अदरवाइज रिमूव हो जाएंगे आप। आपको मैंने 100 बार बोला अपना, जब भी आया करें अपना नाम चेंज करके, अपने नाम से पहचान ना, आपकी कोई शनाख्त नहीं है, माँ बाप ने आपका अच्छा अच्छा सा नाम रखा है। सारों को म्यूट करते हैं। हाँ जी जी फर्स्ट क्लास में समरीन मैंने बताया था आपको, तो खैर पता है, आप मेरे पुराने जो बच्चे हैं उनको बताना ये बात बता चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हुनैन, कैसे हैं? सॉरी हसनैन यार, मैं तुम्हारा नाम हमेशा चले हुनैन ले देता हूँ। सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो बच्चे दोबारा से आए हैं, मैं उनको ये बता दूं, हमारी सिर्फ इतनी सी अभी बहस चल रही है कि हम जो 1 2 3 लिखते हैं, अभी हम मैं सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ाने लगा था, तो हमारी इतनी बहस चल रही है, 1 2 3 ये लिखते हैं ना हम, 1 को हम 1 ऐसे क्यों लिखते हैं, 2 को 2 ऐसे क्यों लिखते हैं, मेरा क्यों दिमाग खराब है मैं ऐसे लिखूं, मेरा मैं इसको ऐसे एक डॉट बना के क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं इसको एक लाइन बना के क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसको मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, या इसको वट एवर मैं इसको स्टार क्यों नहीं बना सकता, या कोई भी रिप्रेजेंटेशन, ये लेट्स सपोज ये मैंने एक एरो डाल दी तो 1 बन गया, क्या रजा थी, क्या रीजन थी, क्या इसके पीछे असबाब है कि मैंने 1 को 1 ही लिखना है? अच्छा ये जैसे अगर हमें 11 लिखना है तो हमें 11 स्टार बनाने पड़ेंगे, और अगर वैसे सिंपल नंबर में लिखने के दो तो वन लगाने पड़ेंगे तो मुझे ये समझ आ क्या रही वजह थी, क्या वजह थी, मतलब इस कंटेंट को नंबर से, ऐसा मतलब क्यों? टाइम कंज्यूमिंग था वो ज्यादा, हाँ हाँ स्टार और कुछ और भी टाइम चले, कंज्यूमिंग था मैं और टाइम इसमें को मैं इजी ये है। डॉट डाल देता हूँ। हाँ जी, अब टाइम मेरा कंज्यूम नहीं हुआ। आपको 11 लिखने में और 11 पॉइंट लगाने में टाइम इक्वल नहीं होगा। मैंने ये कहा कि ये 11 है। अच्छा पहले वाली कॉन्टेंट जो होती थी ना वो यूं होती थी, 1 2 3 4 देन, ये पुराने जमाने में जब लोग कॉन्टिंग कर स्टार्ट करते थे ना, वो क्या करते थे, 5 हड्डियां लेते थे और 5वीं को ना क्रॉस बना देते थे, जब 5 हो जाते तो 5 क्रॉस बना देते, ये 5 हो जाता था। उसके बाद इनके पास कोई नंबर सिस्टम नहीं था, पुराने दौर की बात बता रहा हूँ, वो यहाँ पर आके स्टक हो जाते, फिर 5 का बंडल दोबारा से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 देन 5 पे स्टक हो जाती कहानी।
अच्छा चलें जी, आज सिखा देता हूँ, सिखा दूँ, बता दूँ ये बात। हाँ अब अपने बच्चों को बताओगे जब पढ़ाने जाओगे, वादा करो। जब आपने बच्चों को पढ़ाना है तो बताना है कि क्या है इसके पीछे। अच्छा बेसिकली ये जो वन, टीचर ये जो बेसिकली वन है ना आपका, वन आपकी ये ओरिजिनल शक्ल वन की ये है जो मैंने अभी लिखी है, ये बिगड़ बिगड़ के ये यूं बन गया है या ये यूं बन गया है, ये यूं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। अगर आप गौर से मुशाहिदा करें, वन में क्या बन रहा है, एक एंगल, इस वजह से वन हमने लिखा है। बेसिकली ज्योमेट्री से हमने ये शेप्स निकाली हैं और इस वजह से हमने वन को वन लिखा है। कुछ कुछ समझ आई, कुछ समझ आई, यस सर, आई बात पहले? अब दो का बताएं, दो को कैसे, दो की ओरिजिनल फॉर्म में जो है ना वो ये है, जेड, ये बिगड़ के यूं बन गया है या ये बिगड़ के यूं बन गया है। अब दो में दो एंगल बन गए, जी सर, देन थ्री इज रिटन एज लाइक दिस, 1 2 3। अब सारे एंगल बना सकते हो, सारी काउंटिंग सेटिस्फाइड है आपकी? Is it, यहां तक क्लियर है? नंबर सिस्टम पे ये बात क्लियर है? यस सर। आज पता चल गया कि वन को वन हमने ही लिखा क्यों है। सर फोर के फोर एंगल कैसे बनेंगे? हाँ ये सवाल आया था लास्ट टाइम भी आया था, सर फोर के एंगल, फोर एंगल कैसे बनेंगे? जी सर। अब पुराना बच्चा कौन बताएगा मेरा फोर के एंगल, फोर एंगल कैसे बनेंगे? अच्छा जी, फोर के एंगल फोर ऐसे बनेंगे। ठीक है, हाय खुशा है, चलो आगे चलते हैं। अब पहले तो हमने बात की थी कि नंबर सिस्टम पे है तो नंबर होता क्या है। आप सबने बोला था कि सर जो नंबर होता है वो 1 2 3 4, सबने लगातार अपने मुंह से काउंटिंग निकाल दी, सबने यही बोला था ना, वन से स्टार्ट किया था। जी सर। तो अब मेरा सवाल ये उठता है कि आपने ये क्यों नहीं कहा 0 1 2 3 4। क्योंकि जीरो में कोई एंगल नहीं बनता। नहीं नहीं अब एंगल, वो तो एंगल वाला कंसेप्ट छोड़ दे, अब आपके मुंह से बेसाख्ता ये बात क्यों निकली कि 1 2 3 4 5 इज द नंबर, जब हमारा ईमान है कि 0 इज द आल्सो नंबर है जी। सर नेचुरल नंबर का सिस्टम यूज किया जाता है तो फिर हम होल नंबर को ज्यादा कंसीडर नहीं करते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं इसी बात पे लेके आना चाह रहा हूँ कि लेट्स, जो आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम यूज करते हैं वो 1 2 3 4 से, जो चीज आपके मुंह से कुदरती निकल रही है, जो चीज आपके मुंह से इंस्टेंटेनियसली निकल रही है, कुदरत की बेस पे निकल रही है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये बात समझ आई? अब नंबर सिस्टम पढ़ने बैठे हैं, लेट्स से कि कोई आप ऐसे बेख्याली में बैठे हो, कोई आपको चूंटी कर दे तो आपके मुंह से क्या रिएक्शन निकलेगा, मतलब बेसाख्ता से आवाज निकलेगी ना। अपने ख्यालों में बैठे को कोई आके आपको छेड़ दे, वो आपकी नेचुरल वॉइस निकल रही। अभी जब मैंने आपसे पूछा था कि नंबर क्या है, आपके कुदरती तौर पर बेसाख्ता बोल उठा कि 1 2 3 4 आर द नंबर्स एंड व्हाट एवर। राइट, तो ग्रामर क्लास नहीं हुई थी। गुड मॉर्निंग,
सर सुबह बखैर। सर वो आज ग्रामर की क्लास नहीं होनी, वो जब मेंशन हुआ हुआ कि ग्रामर की क्लास होगी। कोई बच्चा जगा दे। हो चुकी और ग्रामर वैसे इस वक्त 10:45 हो रहे हैं। की, वो सुबह पेपर है उसकी तैयारी कर रहे थे, बस इस वजह से नहीं ली गई क्लास। लेक्चरार का पेपर है ना, खैर है, कोई मसला नहीं। सर लेक्चरर कौन सा, उन्होंने हमें वैसे पकड़ के लगा देना। चलो खैर, अब नेचुरल नंबर्स आर वो नंबर जो कुदरती तौर पर हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, देन होल नंबर्स। होल नंबर कौन से हैं? जो हाँ जी, जीरो से स्टार्ट है। जीरो से स्टार्ट। अब मैथमेटिशियंस को, या अब मतलब क्या कहेंगे, हिसाब दानों को किसी चीज की कमी सूझी। अब ये देखेंगे आप, यहाँ पर आप जब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पर अगर आप बागौर मुशाहदा करो कि बात यहाँ तक जो आपकी आती है, इसके बाद यहाँ तक तो वर्ड आ गए, तो आगे क्या मैं क्या करूं? हाँ जी, आगे का क्या करूं? अब मुझे किसी चीज की जरूरत थी ना जो इस चीज को कंप्लीट करे। काउंटिंग आपकी 9 पे आके रुक गई ना, लिमिटेड हो गई। इज इट राइट? आपकी काउंटिंग लिमिटेड हो गई। तो अब यहां पर होता है जीरो की डिस्कवरी। इसको पढ़िएगा, जीरो की डिस्कवरी कैसे हो गई। अभी आपकी असाइनमेंट, अगर किसी को शौक है ना, जीरो की जरूरत पड़ी हमें क्यों? पहले सिस्टम में जीरो नहीं था हमारा, बाद में हम जीरो लाए हैं, जीरो इंट्रोड्यूस करवाया हमने अपने मैथ सिस्टम में। ठीक है, जब जीरो आया तो उसने क्या कर दिया फैमिली को मुकम्मल। ये वो बच्चा था जिसकी जरूरत सबको थी, इसने अपनी फैमिली का मुकम्मल करना था। क्या बना? अब बन गया 10। जी, इंडियन ने किया था, और ये नंबर सिस्टम भी इंडियंस की इजाद है, मैं पहले बता दूं। अब होल नंबर आपका किरदार क्या करता है? उसने सारे जो नंबर्स है उसको कंप्लीट कर दिया, उसकी जरूरत पूरी कर दी। अब मैं कोई भी नंबर लिख दूं तो वो बन जाएगा मेरा कोई भी नंबर, 6536 40, बन गया नंबर, बन गया। जी सर। कोई भी नंबर बना सकता हूं। अगर मैं यहां तक देख लूं कि नेचुरल नंबर तक, तो नेचुरल नंबर से ये मेरी जरूरत पूरी हो रही थी। बड़ी बेसिक सी बातें कर रहा हूं अभी, कोई फजूल बातें नहीं कर रहा, समझने की वाली बातें हैं। नेचुरल नंबर से मेरी ये जरूरत पूरी होती थी, नहीं हो रही थी ना। टू जी सेटिस्फाई माई नीड्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड डेली रूटीन्स, तो मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया? होल नंबर इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, आप एक बात याद रख लें कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो रियल नंबर भी है। इज इट ट्रू? जो सारे जी नंबर हैं, जो सारे नंबर हैं वो रियल नंबर, सॉरी, हाँ, रियल नंबर भी है। ये बात सही है? सर। बात सही है, एग्री करते हो? यस सर। अच्छा, अब मेरे पास क्या जरूरत पेश आती है होल नंबर के बाद? अब मुझे यहां तक मेरी कॉन्टेक्ट पूरी हो गई थी, अब इसी की सिर्फ तमीज बांध रहा हूं। आगे मैं क्वेश्चन इसके लेके जाऊंगा, वो आपको सॉल्व करने होगी। अब मुझे ये बताएं, यहां तक मेरी जरूरत पूरी हो गई थी? अब मेरा हिसाब किताब पूरा है यस सर। क्या? आप समझते हो आपका मैथ सिस्टम यहां तक कंप्लीट हो गया था? हाँ जी, आंसर यस और नो? किया सपना सेड यस। बाकी क्या कहते हैं, बाकी क्या समझते हैं, मैथ सिस्टम कंप्लीट हो गया? नो। वाई अस्मा? नो नो सर। इरफान सेड नो, समरीन सेड नो।
व्हाई नो नहीं, अभी पॉइंट्स को भूल जाए, अभी पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ तक। अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, मतलब अब मैं अगर हिसाब किताब करने बैठता हूँ, लेट्स से मैं वो नालायक सा बंदा हूँ जिसने एक करियाना की दुकान खोल ली है, ठीक है। अब मेरे पास एक बंदा आता है, वो क्या करता है, वो मुझे क्या मैं ये अपने हिसाब किताब में लिखता हूँ, 5 रुपए दिए, 5 रुपए लिए। अब मैं जब शाम को एक नालायक सा बंदा इसका हिसाब किताब करने बैठता हूं, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने उसको 5 रुपए दिए या उसने मुझे 5 रुपए दिए, या मैंने उससे 5 रुपए लिए या उसने मुझसे 5 रुपए लिए, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा। अब इस मसले का क्या हल निकालूं मैं, हाँ जी अब मुझे मेरी इस मसले का हल तो निकाल के दें। आते हैं रैशनल पे भी आते हैं, पहले इस नंबर इस मसले का तो हल निकालो, बेसिक से तो चलो। अब क्या करूंगा मैं, टोटल सी माइनस करेंगे ना, थोड़ा सा करीब पहुंच चुके हो। अब मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिए इंटीजर्स, इंटीजर क्या है मेरे पास, जो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं वो नंबर, ऐसे है? मैं इसको जानबूझ के प्लस के साथ लिख रहा हूँ, ऐसा होगा कुछ जी सर। अब मैं अपनी जिंदगी आसान कर सकता हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी को आसान कर सकता हूँ बीइंग अ दुकानदार, अब मैं क्या लिखूंगा, डी प्लस 5 या माइनस 5। अब मैं ये लिखूंगा 5 रुपए उसने दिए, मतलब मेरे पास ये एड अप हो गए, और जो उसने 5 रुपए लिए मेरे पास माइनस हो गए। अब ये जरूरत मुझे महसूस हुई थी मैथमेटिक्स में, पहले मेरे पास जीरो की कमी थी, अब मेरे पास अलामत की कमी थी, मैंने अपने मैथमेटिक्स सिस्टम में अलामत को सैंपल्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि मेरे इंटीजर बन गए। गेटिंग माय पॉइंट, अभी बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, कोई मैं पहले बता देता हूँ, अगर कोई मेरा पुराना बच्चा यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, तो हम पहले बेसिक से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम बड़ी बड़ी चीजों को छेड़ते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर फेंके तो आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। अब ये बताएं कि ये नंबर कहां से कहां तक होंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा है सर? मतलब यहां तक इन्फिनिटी नंबर दे जाओ या यहां तक इन्फिनिटी नंबर ले जाओ, ये चलती रहेगी मैथ, कभी खत्म नहीं होगी। थर्ड प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया इंटीजर इंट्रोड्यूस करवाने से, चले अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जो कि है हमारे प्राइम नंबर्स। हाँ जी, इसको प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, इसका क्या क्या मकसद है कि कौन से नंबर होते हैं, जल्दी से डिफाइन करें, पहले हम नंबर डिफाइन करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन डिफाइन करेंगे, फिर इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट इज कंसेप्ट, देन इसकी ब्रीफिंग, देन थर्ड इज मेरी स्ट्रेटजी, ये है कि उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, प्राइम नंबर क्या है, सबको परमिशन, मुझे है परमिशन बोलने की या नहीं, बोले बोले अब तो सबको है। अब सर प्राइम नंबर्स हुआ है, सर प्राइम नंबर वन बाय वन, जी जी अयूब सर, प्राइम नंबर्स हुआ है जिनको अपना टेबल लगे और वन का टेबल लगे, अपना टेबल लगे और वन का टेबल लगे, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करूंगा जी। और कोई बच्चा,
सर जो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो, सिर्फ खुद पे डिवाइड हो आधी बात, और वन पे हो। सर प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो डिवाइजर हो, एक इटसेल्फ और एक वन, जो एग्जैक्टली खुद पे डिवाइड हो सके और वन पे हो सके। अच्छा जी, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर हो, ऐसे कह लू मैं, जिसकी दो शाखे निकल जाए, those are divisible by itself or by one or by itself, ऐसा कहा, यही कहा है आपने, यही बात है। हाँ जी, मुनफरिद नंबर यही नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर बन जाए। लेट्स सपोज, अब कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 23, इज इट प्राइम नंबर? यस सर। कैसे पता चला 23 इज प्राइम नंबर? क्योंकि एग्जैक्टली कुछ ऑर्बिट डिवाइड नहीं हुआ। 23 को मैं अगर फैक्टराइजेशन करूं, 23 एक खुद पे, एक वन से होता है और दूसरा 23 से होता है, कोई और डिवाइड कर सकता है इसको? नो नो सर। अब क्या सवाल आता है कि मेरे पास सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? मेरा सवाल ये आता है कि अब पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 3, 1, 3, 2, 3, 5, 7। मेरा पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 होगा। जी, कैसे 2 होगा? 1 की अगर मैं बात करूं, 1 इटसेल्फ और तो कोई फैक्टर नहीं है ना इसका, यहाँ पर बात गलत हो गई हमारी, 2 की बात करते हैं, 2 1 से हुआ, 2 इटसेल्फ से हुआ, हमारी बात सही हुई यहाँ पर? यस सर। एंड देयर इज एन अदर फैक्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक हो गया, ये बात भी सही हो गई? यस सर। देन आगे क्या होगा? 3 होगा? यस सर। यस। 4? 4? नो नो। 5? प्राइम नंबर की कहानी समझ आ गई आपको? हाँ जी, प्राइम नंबर की कहानी समझ आ गई सर? आ गई है। अब आगे क्या चलते हैं हम, इसी से आगे ही मैं लेके चलूंगा। अब देन इसी का एक प्यारा भाई, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं सर? इसी ऑपोजिट बच जाते हैं, वो सारे कंपोजिट ही हैं। और प्रीसाइज इन सिंपल की बनते हैं। इन सिंपल आप ये कह सकते हो, प्राइम नंबर का उल्टा जो है जो दानी दुश्मन है वो कंपोजिट नंबर है। यस सर। जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर हों, जो दो से ज्यादा फैक्टर बनाए। जी सर, डिवाइड हो जाए ज्यादा के। हाँ जी, 3 होगा कंपोजिट नंबर? नो नो सर। 10? यस यस सर। क्या होगा 10 इटसेल्फ, 2 पे, देन 5 और 10? 9 होगा? होगा यस सर। यस सर होगा, ऐसा कुछ होगा। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। कैसे? 1, 2 नहीं होगा? नो सर, 2 के दो ही फैक्टर निकलते हैं, एक खुद से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा डिवाइड होता है, दूसरा 1 से डिवाइड होता है,
तो मैं इसको फोर से स्टार्ट कर लूं? यस सर। वन टू देन अगेन फोर, आप ये कहना चाह रहे हो? इज इट राइट? वन टू फोर, ठीक है। यस सर। एंड देन मैं अगर बात करता हूं, नाइन होगा? यस सर। अलेवन? नो सर। नो सर। अब आपको लॉजिक समझ आ गई, जिसके फैक्टर सिर्फ दो बने वो कौन से होंगे? दो फैक्टर वाले भाई, प्राइम नंबर, और तीन फैक्टर वाले भाई, ये वो हैं जो सेक्टर नंबर दो में रहते हैं इस्लामाबाद के, जो ये वो हैं जो सेक्टर नंबर तीन में रहते हैं इस्लामाबाद के, ठीक है। इनको कंपोजिट कहते हैं, इनकी फुल अयाचे जो सेक्टर नंबर तीन है, उनकी फुल अयाचे जो सेक्टर नंबर दो वाले थोड़े गरीब है, ठीक है। अच्छा, इवन और ऑड कराने की तो जरूरत नहीं ना, इवन इवन जल्दी से बता दे, इवन कौन से होते हैं और ऑड कौन से होते हैं? जो टू पे डिवाइड होते हैं, जो टू पे नहीं होते हैं। टू के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन होंगे, जो टू के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड होंगे। एंड वेदर ऑल इवन एंड और ऑड नंबर आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर और नॉट? यस सर। दीस आर ऑल नेचुरल नंबर। आर दे पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स और नॉट? सभी रियल नंबर्स ही हैं। यस सर, नेचुरल नंबर आल्सो रियल नंबर। ये बात सही है क्या? अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स बेसिकली जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में फ्रैक्शन में लिखे जाएं। ये पी ओवर मुझे क्यों नहीं समझ आई, क्यू पी क्यू मुझे नहीं समझ आता रहा। मुझे सिंपल सिंपल सी आसान सी भाषा बताएं। मैं सर जो एग्जैक्टली किसी नंबर से डिवाइड ना होते हो, जैसे 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो जवाब 2 आता है, ठीक है, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 3.999 से आएगा। नहीं समझ आया, मैं नादान बच्चा हूं। मेरी मेरी सर इन सिंपल ये कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाए। अब सही पकड़े हो, लेकिन जो नीचे वाला आई मीन जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा टार्ट स्कूल का बच्चा हूँ, मुझे सिर्फ इतना, मैं इतना सा लिख देता हूँ, जो नंबर हम बट्टे में लिखते हैं यानी कि फ्रैक्शन में लिखते हैं लिख सके वो रैशनल होंगे। यस सर। जैसा कि अब बात करते हैं, अब क्या ये नंबर मेरा रैशनल होगा? ये मैंने बट्टे में लिख दिया, अब बताए नीचे क्या लिखा हुआ है? Yes sir. 2/0. Zero. No, zero? This is not. No, no sir. No. No. नहीं, अभी आपने बात कही थी कि no, सर वो जो P over Q की फॉर्मेट में लिखते हैं या बट्टे के फॉर्मेट में लिखते हैं वो रैशनल नंबर होगा। मैंने कहा था कि जो now you are, now you guys are deviating from your own statement. सर जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं सकता, ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्मेट में हम पी लिख दें, लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये है, इसको बनाने के लिए, इनका रिश्ता बनाने के लिए ये है कि जो क्यू है इनकी शादी होती है, जो क्यू जो है वो किसी और जगह मुंह नहीं मारेगा, क्यू कहीं इक्वल के जीरो नहीं होगा, याद रहेगा? यस सर। बड़े अच्छे से याद रहेगा आप तो। दोबारा बताएं। अब बता दिया, एक ही बार में फ्लो में निकलती है बात। This is undefined, not infinity. जो ऐसे नंबर जो मतलब p over q की फॉर्मेट में लिखे जाएं और q जो हैगा जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये की वाला q. Let's suppose 2 or 3 is the rational number. हाँ जी। Yes sir. 3/0 रैशनल नंबर है? नो सर। 0/4 रैशनल नंबर है? यस सर। यस सर। सेटिस्फाई कर रहे हैं ना कंडीशन सारी आपको? सर कंडीशन के अकॉर्डिंग ठीक है। अच्छा जी, एक और इसकी पहचान है कि जो रैशनल नंबर होंगे आपके वो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी बात लिख लें, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग नंबर होंगे, कैसे इस बात को कोई बच्चा बता सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इसका क्या मतलब है? हाँ जी सर, पॉइंट के बाद जो है वो, अब इसको डिवाइड करें 1/3 को, क्या कर दूं अगर मैं डिवाइड कर दूं? सर ये फ्रैक्शन के बाद जो है ना 0.333 ये जो है, इसको 10/3 कर देता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.333333333, तो क्या हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना खत्म होने वाले अजाबदार नंबर, इसको फिर आखिर में हम क्या करते थे 0.34 लिख देते हैं, यही कर सकते हैं ना, राउंड ऑफ कर देते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर तो वो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है? यस सर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इससे ऑपोजिट कौन से बताएं? इरेशनल नंबर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, राइट, जिसको हम प्योर नहीं लिख सकते, और इसकी एक और पहचान ये भी है कि ये अंडर रूट में आता है, और बटर के फॉर्म में होते हैं, और भी हैं बट ये हैं कॉमन। ये क्या है? दिस इज इरेशनल आई थिंक। पाई क्या? पाई तो मैं लिख सकता हूँ 22/7। तो सर ये भी इसकी कंडीशन है कि अगर हम 22/7 लिखते हैं तो रैशनल होगा, और अगर हम 3.14 लिखते हैं तो इरेशनल होगा। अब अपनी बातों में फंस गए ना? नहीं नहीं मैं बता रही हूँ। जी 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 बताएं। सर अगर हम 22/7 इसकी वैल्यू लिखेंगे तो रैशनल होगा, अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो इरेशनल होगा, और अगर हम पाई इटसेल्फ लिखते हैं तो आई थिंक फिर रैशनल होगा। आई थिंक आपका जो 22/7 आप लिख देते हो ना बड़ी खुशी से, ये एक्यूरेट नहीं है। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है पाई की? 3.14 9 2 आगे 6 3 5। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रेपिटेटिव है ना, तो ये रैशनल नंबर की में आता है ना? यस सर। अब इरेशनल की बात कर रहे थे, इरेशनल में क्या होगा सर? बटे की फॉर्म में जो नहीं ले सकते, जो बटे की फॉर्मेट में नहीं ले सकते, कौन से नंबर जो अंडर रूट में आएंगे? यस सर। और कौन से होंगे इरेशनल के लिए? आप ये कह लो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। यस सर। अब रियल नंबर क्या होंगे? रैशनल और इरेशनल का यूनियन। मुझे समझ नहीं आता, कौन से यूनियन कौन सा? इन नहीं इन सिंपल के ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, नेचुरल ये सभी सारे जो तक पड़े हैं रियल नंबर्स थे। तो मैं यूं कर दूं, रैशनल प्लस इरेशनल जब मिल जाते हैं तो ये सारे रियल नंबर। यस सर। और रियल नंबर्स आर ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऐसा है? इस बात से मान लेते हो ऑल नंबर आर रियल नंबर? यस सर। यस सर। वेदर रियल नंबर आर इरेशनल नंबर? सर क्या पूछा अभी? मैंने ये पूछा है कि ऑल नंबर आर रियल नंबर, क्या रैशनल नंबर भी रियल नंबर है?
यस सर हैं। ऑल ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर? यस। ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर? ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल रियल नंबर आर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर? नहीं 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 है, नहीं है। ये वो MCQs है जो घुमा के पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि इसमें इरेशनल भी आ जाते हैं इसलिए। Exactly. अब यहाँ तक नंबर की कहानी पता चल गई कि नंबर कौन कौन से होते हैं, नंबर सिस्टम है क्या, क्यों है, किस लिए, ये पता चल गया। यस अच्छा, इसी में एक और कंसेप्ट आता है, नंबर सिस्टम का यूनिट्स निकालें। क्या निकालें? यूनिट। यूनिट यूनिट्स क्या होता है, किसी भी नंबर का यूनिट्स क्या होता है, यानी कि इकाई निकालें। उर्दू में तो इकाई कहते हैं और यूनिट्स को क्या कहते हैं? आई सपोज 1, 2, 3, 4 यूनिट्स, आगे क्या होता था? Tens, ऐसा होता था ना? Hundreds, yes sir. और? Hundreds. तो एक कभी कभार पेपर में ये सवाल आ जाता कि यूनिट्स निकालें नंबर सिस्टम्स का, तो वो कैसे निकालोगे? लेट्स सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ, लेट्स सपोज के मैं लिख देता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ, एक नंबर है जो है 819 की पावर 624। अब इसका यूनिट्स क्या होगा, कोई बता सकता है? इसकी इकाई क्या होगी? कोई भी नंबर दिया हो, उसकी पावर दी हो, उसका यूनिट क्या होगा, उसकी इकाई क्या होगी? सर पावर के बगैर तो हम बात कर सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या होगा? नहीं, पावर के बगैर तो हम, पावर के बगैर तो हमें पता ना, हम अंधे थोड़ी हैं कि 9 है। अच्छा, बड़ा लॉजिकल से सवाल किया, मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी इस सवाल से सोचूंगा मैं। अब बताएं कि पावर लगा दी, तो पावर से मैं यूनिट डिजिट कैसे निकालूंगा? कन्वर्ट करेंगे सर, मल्टीप्लाई। किधर कन्वर्ट करेंगे? अब मुझे लगा शायद कन्वर्जन, मुझे लगा शायद वो है। कहाँ करेंगे? चलें जी कुछ रूल लिखें। कोई भी नंबर जिसके आखिर में जीरो है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट वही नंबर ही होगा। कोई भी नंबर जिसके आखिर में जीरो हो और उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा। नंबर वन रूल, इज इट क्लियर? यस। कोई चेंज नहीं होगा। अब दूसरा रूल क्या कहता है? कोई भी नंबर जिसके आखिर में वन हो और उसकी पावर कुछ भी हो, तो क्या जवाब आएगा? वो वन आएगा, नो चेंज, वही नंबर आएगा, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। सेकंड रूल, उसका यूनिट डिजिट वही ही होगा। थर्ड हम पढ़ते हैं, कोई भी नंबर जिसके आखिर में 5 आ जाए और उसकी पावर कुछ भी हो, अब 3, 4 मैंने स्किप किया, बताता हूं क्योंकि, तो उसकी पावर भी 5 आएगी, सॉरी उसकी यूनिट्स भी 5 आएगा, यूनिट डिजिट भी 5 आएगा, यूनिट डिजिट लिख देता हूँ यूडी, वेरीफाई कर दूं, 5 × 5, 5 × 2 = 25, यूनिट डिजिट वही रहेगा, 5 × 3 = 625, यूनिट डिजिट सेम रहा। yes, okay. कोई भी नंबर जिसके आखिर में 6 आए और उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका भी आंसर वही होगा, वेरीफाई करूं, 6 × 6 = 36 and वही सेम आएगा, 6 × 3 =
216 सेम रहा यूनिट डिजिट। आगे चले सर, जिसके एंड पे आपने जीरो बताया था उसके क्या एग्जांपल है? कुछ भी नंबर लिख लो, 540 की पावर x plus 40 कर लो, ये जीरो ही आएगा यूनिट डिजिट। वेरीफाई कर लो, लेट्स सपोज 10 की पावर 1 और इसका यूनिट डिजिट 10 जीरो है ना। गेटिंग यस सर, यहां पर n जीरो के बराबर नहीं हो सकता ना, उस हमने कहा पावर कुछ भी आ जाए, पावर कुछ भी आ जाए मैंने कहा, वो आप वेरीफाई कर लें, केस मैंने बता दिया, वेरीफाई करके मुझसे और को करें। सर n अगर जीरो हो गया तो जीरो ही जवाब वन आ जाएगा ना, तो जवाब तो वही है। लेट्स किसकी पावर जीरो लगाऊं सर, अगर कोई पावर 10 पावर जीरो तो वन जवाब क्या आएगा, जीरो वन आएगा ना, जीरो कैसे आएगा? हम यूनिट निकालने लगे हैं बच्चे, हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं जी सर, हम वो पावर के रूल नहीं पढ़ रहे, पावर रूल मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं यूनिट डिजिट भी वन आएगा ना, तो मैंने क्या कहा था, कोई भी डिजिट, अभी मैंने 10 का बताया नहीं है पहली बात, किसी भी डिजिट की पावर जीरो हो तो वो क्या जवाब आएगा, वन की पावर जीरो, कोई भी डिजिट है तो वन आया यूनिट डिजिट। ये पहले मैंने ये रूल बताया आपको, रूल से डिफाइन करें, अभी मैंने 6 तक के रूल बता दिया आपको, अब मैं आता हूँ 4 के रूल पे, ऐसा डिजिट किसी जिसके आखिर में 4 हो, ये बात कर रहा हूँ। रूल नंबर 5, उसकी पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा वो है, टिपिकल है, मैं थोड़ा सा बोर्ड ले लूँ अपने पास, स्पेस ले लूँ, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। 4 की पावर 1 कितना बना, 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 क्या बना, 32, 4 की पावर 3 कितना बना 64 जी सर, गलत हो गया, 4 की पावर 4 256। अब आप एक बात देखो, कुछ ट्रेंड समझ आया, कुछ समझ आ रहा है, 4646 जहां पर पावर ऑड है तो वहां पर क्या आ रहा है जवाब, एज इट वही यूनिट डिजिट आ रहा है 4, ऐसा है, ऐसा है ना, जहां पर पावर ऑड है वहां पर जो यूनिट डिजिट है वही आ रहा है ना, लास्ट 4 ही आ रहा है, एज इट नो चेंज, कह सकता हूँ यस सर, ऑड पावर है तो वही आ रहा है। इवन पे क्या आ रहा है, इवन पावर पे क्या आ रहा है 6। अब हमारा क्या रूल डिफाइन हो गया, जब 4 की हम यूनिट डिजिट निकालने लगेंगे तो जब पावर 4 की इवन में होगी तो एज इट आएगा, और जब पावर ऑड सॉरी जब ऑड में होगी तो एज इट आएगा, जब इवन में होगी तो 6 आएगा, यही बात की है हमने। हाँ जी यस सर, ऐसा ही होगा जी सर, ऑड के लिए क्या 4 और इवन के लिए 6। अब कोई भी नंबर इसके 4 और 9 का सेम है, मल्टीप्लीकेशन के रूल याद हैं जो मैंने बताए थे, नहीं याद तो दोबारा याद करना, कोई भी नंबर जिसके जिसकी आखिर में 9 आए और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका क्या जवाब आएगा, सॉल्व करें, 9 वन द 9, 9 टू द 81, 9 थ्री द, हाँ जी कौन बताएगा, 729। अब क्या एनालाइज किया, पावर इवन सॉरी पावर ऑड तो 9, पावर इवन तो 1, यस सर, इवन के लिए 1, ऑड के लिए यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 9, नो चेंज, तो 9 का रूल बता दे, यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए, आप मिक्स नहीं करना दूसरे पावर रूल और इसमें, जैसे अभी बच्चे ने एक मिक्स किया था,
अब हमने स्किप किया था 2, 3, 7 और 8 को, ऐसा था हमने ये स्किप किया था, कर दिया था ना? हाँ जी सर। तो अब मैं चलो 2 को थोड़ा सा समझते हैं। 2 वाज द 2, 2 टू द 4, 2 3 इज द 6, 8 2 4 इज द 16, 2 5 द 32। ठीक है, अब हमें क्या पता चला, कोई ट्रेंड एनालाइजर के बताएगा इसको? थोड़ा सा सीधा सीधा लिखता हूँ यहाँ पे, अच्छा सा लिखता हूँ। ऑड के लिए चेंज नहीं हुआ, वही आया, और इवन के लिए चेंज हो गया। हाँ जी, ये टेबल रिपीट हो रहा है इसका। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बोलो 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 दोबारा बोलो। टेबल कह रही थी मैं, लेकिन 2, 4, 8, 6, 2 पैटर्न चल रहा है, आई थिंक चलेगा बाद में। क्या पता चला? Every four, after every four ये होगा। हर 4 पावर के बाद आपका यूनिट डिजिट सेम हो रहा है, ऐसा है? ऐसा है? यस सर। अब चले शाबाश, अपने पास लास्ट से भी 2 आया एंड पे यूनिट डिजिट। अब अपने पास 7 का यूनिट डिजिट निकाले, उसमें क्या पैटर्न बन रहा है 7 और 8 का? 3 का तो सेम रहा, 7 और 8 का निकाले अपने पास, शाबाश। हाँ जी, 7 और 8 का। बच्चे कह रहे हैं आज फारिक चीज पढ़ा रहा हूँ सर, बच चलो छोड़ो सर को, नहीं पढ़ते आज, चल कर चले। सेवन और एट का क्या ट्रेंड बना? हाँ जी, कैलकुलेटर मार लो, सारे आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। सेवन का भी 4, 2 की तरह ही है, एट का भी यही है, एट का भी यही होगा, देखती हूँ उसका भी। तो इसका मतलब यह है कि या तो मैं 5 वाली पावर का डिजिट निकाल लूं, या तो 1 वाला निकाल लूं, मुझे हमेशा छोटी की तरफ जाना होगा। तो छोटी के लिए मैं क्या करूंगा? है जी, तो जो भी पावर होगी, जो भी पावर होगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6, 23 की पावर 49। तो अब मैं क्या करूं, छोटी पावर मुझे निकालनी है ना, 3 की बात हुई है ना, तो क्या करता हूं मैं, जो भी पावर होगी उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं। ये वही है, 4 एकम 4, ये पूरा डिवाइड हो गया, देन नीचे बचा 9, 4 दूने 8, 1 बचा। अब जो रिमाइंडर होगा वो उसकी पावर बन जाएगी 623 वंस, और जो ये बचा 3, इसका क्या है, यूनिट डिजिट। गॉट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करें। नेक्स्ट में अब क्या होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसी को एक लिख देता हूँ 627 की पावर 52। अब करें, अब कैसे निकालूंगा, ये उन डिजिट के लिए है जो अभी मैंने लिखवाए थे, कौन कौन से डिजिट, 2, 3 और कौन से थे, 2, 3, 7, 8 यही थे। ये उन डिजिट के लिए है जहां पर मैं बड़ी वैल्यू मेरे पास बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, लो जी। अभी तो बच्चे अनीला बच्चे बहुत बेसिक चीजें किए हैं, कोई एडवांस चीजें तो मैंने करा ही नहीं है, क्या कोई मैंने एडवांस चीजें करवाई है? और एमपीटी में कोई इतना, मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कोई एडवांस चीजें नहीं करवाई। अभी तो मैं एडवांस पे आऊंगा तो फिर आप कहोगे ये तो हो नहीं रहा। हाँ जी,
50 मैंने पावर को डिवाइड किया चार से, सिर्फ चार से डिवाइड कर देना, क्या होता है? अब तो रिमाइंडर मेरे पास नहीं बचा, अब क्या करूं मैं? अब मसला हो गया, अब मैं कैसे निकालूं यूनिट डिजिट? हाँ जी, अब कैसे निकालूं यूनिट डिजिट? जब पूरा पूरा तकसीम हो जाए तो उसको आप पावर चार ले लो। अब मुझे इसका यूनिट डिजिट सात था, तो सात को मैंने चार से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना? सात सेवन फोर था, इसको ऐसे तोड़ लो ना, सेवन सेवन सेवन, टू फोर जीरो वन, टू फोर जीरो वन। Let's suppose ये 49 हो गया, वो 49 हो गया, इसको ऐसे ब्रेकअप कर लो, नम नम था 81, इसको ऐसे ब्रेकअप कर लो, तो आखिर में यूनिट डिजिट 1 बचा। इसका यूनिट डिजिट 1 बचा, ठीक है, समझ आ गई बात? सर ये 77 के बाद क्या किया? 77 के बाद मैंने दोनों को ब्रेकअप किया, इसको इसको आपस में 49 बना दिया, इसको आपस में 49 बना दिया, 49 49 को मल्टीप्लाई किया, तो मैंने ये किया कि 99 को आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे यूनिट डिजिट निकालना था ना, मैंने इसको इस यहाँ वाले जो बात मुझे सिर्फ इकाई निकालनी थी, 99 को 81 बनाया मल्टीप्लाई करके, तो आखिर में जो डिजिट था वो 1 था, मैं 1 ले आ गया यूनिट डिजिट, मुझे पता चल गया कि 1 होगा। ओके सर, आ गई बात समझ? अब एक सवाल दे रहा हूँ, इसका जल्दी से यूनिट डिजिट निकाल के दो मुझे। 217 की पावर 413, रूल मैंने सारे बता दिए आप लोगों को, 819 की पावर 547 मल्टीप्लाई 414 की पावर 624 मल्टीप्लाई 414 342 की पावर 812। अब निकालें जरा इसका क्या आंसर आएगा। ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, ऑप्शन ए इज 2, बी इज 4, सी इज 6, डी इज 8। जल्दी से निकालें, क्या बना? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ जी, क्या आंसर आया? फिर 324 क्या आया? 324 मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से चूज करो सर। 4 सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है, 4 आएगा सर। रूल्स आपको पता है, रूल्स आपको पता है। लास्ट ऑप्शन 8। कोई और बच्चा? हाँ जी, कोई और बच्चा? ऑप्शन इधर मैं साइड में लिखता हूँ। कोई और बच्चा है जो बताए मुझे?
अच्छा हमने क्या रूल डिफाइन किया था सात का, जब डिजिट सात आना आएगा लास्ट में तो उसकी पावर कुछ हो, तो हमने क्या डिफाइन किया था, पावर क्या है, 413 है ना, 413 को किस पे डिवाइड कर देना है, चार पे. तो क्या आएगा आंसर, रिमाइंडर वन आ रहा है, चार वन आएगा, चार चार ते बारह और एक रिमाइंडर आ गया, और ये इसकी पावर तो, बन तो 217 की पावर वन, तो क्या बना, सेवन आएगा इसका, वो यूनिट डिजिट सही है, पहले का सेवन आ गया, अब दूसरे का नाइन है लास्ट में, 819 नाइन का क्या बना, नाइन की लास्ट में नाइन है तो उसकी पावर कुछ भी आ जाए तो डिजिट क्या था, रूल क्या था, ऑर्डर इवन, याद करो इवन पावर है ऑड पावर है, सर ऑड हो तो वही आता है ना, ऑड है तो वही है, वही आ गया, अब और आगे चलो, 414 की पावर 624, हाँ जी इवन है ऑड है पावर, चार का रूल भी वही है, चार का रूल क्या कहता था, जब पावर इवन हो तो क्या आएगा, सिक्स आएगा सर, अब कैसे आंसर आ रहे हैं, सिक्स आ गया, और आगे क्या है, 342, टू की पावर लास्ट में जो टू है उसकी पावर 812 है, तो 812 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा चार से, तो क्या बचेगा मेरे पास, रिमाइंडर नहीं बचेगा सर, जीरो, तो फिर मैं क्या, तो फिर मैं किसको डिवाइड करूंगा, किससे, टू पावर फोर डिवाइजर, किसको, 812 को चार से डिवाइड करूंगा, नो सर, टू पावर फोर करेंगे ना, तीन से करेंगे ना, क्या किया मैंने, 812 को निकाला यहाँ पर, चार से डिवाइड किया, तो क्या बचा, 23, ऐसा कुछ हुआ, पूरा डिवाइड हो गया, ये बात खत्म, ऐसी ऐसी बात है, हो गया, फोर आएगा, अगर टू को फोर बाय, बताए ना सर, मेंटर जीरो आए ना तो भी फोर आएगा, टू को फोर टाइम्स लिखेंगे, जी सर डिवाइजर जो फोर है वो कंसीडर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मैं समझा नहीं, चार दुने आठ, एक मिनट सही है, ये पूरा हो गया, चार ते बारह पूरा हो गया, ठीक है बात खत्म हो गई, ये जब जीरो होता तो मैं किसको डिवाइड करता था चार से, हाँ जी जब जीरो होता तो मैं डिवाइड किसको करता था चार से, सर लास्ट नंबर को, जो लास्ट नंबर है उसको फोर टाइम लिख के, तो क्या था लास्ट नंबर फोर टाइम्स, टू है ना, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई इस तरह हो जाएगा, तो 16 आ रहा है फाइनल, तो नहीं इसका भी यूनिट निकालो, 16 आ रहा है, 16 को क्या करेंगे, 6 ये निकाल लो, 6 आ जाए, 7 9 6 और 6, अब क्या बना, 7 नाम 63, ये 63 बना और ये 36 बना, अब क्या करेंगे, 6 थी 18 ये यूनिट बना, ये यूनिट डिजिट बना आपका, ऑप्शन क्या है, 8 है, 8 आ रहा है, आगे बात समझ, इतना रूल्स याद करने से ये भी तो हो सकता है ना, हम डायरेक्ट एक ही चीज अप्लाई कर ले सब पे, क्या क्या अप्लाई करो, ये डिवीजन वाला, क्या वाला, ये डिवीजन वाला, नहीं नहीं रूल्स तो आपको पता, पहले रूल्स आप सिंपलीफाई कैसे करोगे, चीजों को सिंपलीफाई कैसे करोगे, इसका आंसर 8 है ना एग्जैक्ट, हाँ 8 तो है अब, लेकिन चीजों को सिंपलीफाई कैसे किया, मैंने सिंपल ऐसे किया था कि डिवाइड किया था सबको वही रूल के अकॉर्डिंग, और जिसका रिमाइंडर जीरो आया था उसको मैंने डायरेक्ट फॉलो लिख दिया था, चलो बाकी लेकिन रूल तो आपको फॉलो करना होगा ना, कि भाई किस रूल से क्या निकला आपका, किधर से, एक चीज क्लियर कर दें कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता तो फिर हम क्या करेंगे, चार से डिवाइड करते थे ना रिमाइंडर जब जीरो होता था, नहीं वो तो फोर्थ से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर जीरो आया, लेकिन बाद में क्या करेंगे कि उसका वो क्या कहते हैं, से यूनिट डिजिट क्या होगा उस नंबर का, फॉर एग्जांपल यहां पे भी किसी का जीरो आया था, हां 812 का ये था ना, लेट्स सपोज मैंने कोई भी नंबर था, लेट्स सपोज मैंने ये एग्जांपल 627 की पावर क्या था,
52 को मैंने 4 से डिवाइड किया, सॉरी यहाँ पे 52 है, 53 चौक 52, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा ना जी। अब जो अंदर वाला है आपने ये देखना, 627 है ना, 627 के लास्ट डिजिट को, यूनिट डिजिट को निकाल लेना है। अब इसको 4 टाइम लिख लो। अच्छा अच्छा क्या बचा, 49 बनाना। अब 49 के इसको फिर आखिरी यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो, 81 बचा, तो लास्ट में 1 आया ना। ओके ओके इस तरह निकालना है, ठीक है। ओके ओके मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करें, मतलब इससे रेलिवेंट नहीं है, दूसरे मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चंस कुछ दिए थे ना एलसीएम एचसीएफ के, वो उससे आप वो सॉल्व करें, वो भी तेरा प्रैक्टिस तो करवाऊं मैं आपके। कहाँ गया मेरा सिस्टम, कुछ मिलेगा नहीं मुझे। आई होप सो मिल जाए मुझे कुछ आप लोगों को क्वेश्चन देने के लिए। दो क्वेश्चन करोगे, क्या करोगे इतना पढ़ के? सर कल करेंगे। कल कर सो, आज कर, आज कर सो, अब कर। अच्छा जी, हमारा सिर्फ हमने एलसीएम वाले थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले फिर चले जाना, कोई मसला नहीं। छोटा सा एक क्वेश्चन दूंगा अभी, मुझे अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, वरना आप लोगों की किस्मत है। अच्छा नहीं मिल रहा, चले मजे करें। अच्छा हमारा ना काफी सारी चीजें मैथ की हो गई हैं, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा भी दूं, मेरे पास कहाँ गया, मैं अगर दिखा देता हूँ, काफी सारी हमारी मैथ की चीजें हो गई हैं, अब थोड़ी सी चीजें रह गई हैं जो हम करेंगे। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ सर। अब आ रही है? नहीं। यस सर। अब आनी चाहिए ना। हमने इसमें से क्या क्या चीजें कर ली है मैथ की पता है? हमने बेसिक्स मैथ सारी कर ली, सारी बेसिक मैथ हमने कर ली, एवरेज कर ली, परसेंटेज कर ली, रेशियो कर ली, नंबर सिस्टम कर लिया, प्रॉफिट लॉस कर लिया, एलसीएम कर लिया, और क्या कर लिया, डिस्काउंट भी मैंने वैसे करा दिया है। सर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन नहीं आएंगी? सर आप क्या सबसे कह रहे हैं, हम तो नहीं हो जी नंबर सिस्टम क्लासेस में, हमने तो नहीं की। नहीं नहीं आप लोगों का नहीं है, मैं दूसरे बच्चों से मुखातिब हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क को करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री को कराऊंगा, देन ये वाला प्रॉब्लम पाइप एंड केज प्रॉब्लम, बाकी हमारे पास थोड़े से लेक्चर रह गए, इंशाल्लाह ताला इसको ये करके वाइंड अप कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो मेन पोर्शन आता है ना, हम एबिलिटी वाले पोर्शन पे एबिलिटी वाली चीजें करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिक मैथ अब हमने काफी सारी चीजें कर ली है, मेरे ख्याल में बेसिक मैथ अब आ भी गया होगा आपको, ठीक है जी सर। बेसिक मैथमेटिक्स